we are finally going to our hometown, which is near Ranikhet, and I'm so excited. The scenery is very good. I'll show you. So guys, हम इतने ऊपर पहुंच गए। यहाँ एक मंदिर भी है। भवाली पहुंच गए। हम भवाली पहुंच गए। You can see कितना ऊपर, कितनी अच्छी हवा आ रही है। बहुत अच्छा है। अगर आपको गर्मी नहीं चाहिए तो फिर आप रानीखेत या उत्तराखंड आ सकते हो। Guys, the current update is we have reached Ranikhet and यहाँ से हमने अपनी टैक्सी स्विच की है and हम यही अभी भी वेट कर रहे हैं but our next destination would be जो our village only which is Joyo definitely so I'll meet you when we start so guys you can see यहाँ पे पूरे पाइन लीव्स नीचे गिरे हुए पता चल रहा है द होल प्लेस इज कवर्ड विद पाइन ड्राइड पाइन लीव्स Hi guys, welcome back. And I have reached my village now. I'll do the house tour. Hello guys, मैं उस चैनल का ओनर नहीं मैं हूँ डोंट ट्रस्ट मेरे चैनल हैक कर लिया नो ओके मैं आपको दिखाती हूँ सो गाइज यहाँ बहुत सारे मंकीज आ चुके हैं देखो आप एक साइड
है तो बताओ, नहीं आए तो बंदर दिखाने आई है शायद। अब सुन लो, देर बाद सुनो ना, अपना बात खुद को भी खा दो आप पे। तो हमने एक ये हमारे भैया है जो पूछ पा रहे हैं। भैया वो हटाना जरा, भैया फेस रिवील हटो, चलो खाना खाने। फेस रिवील, फेस रिवील। पहले ऐसे क्या। सो गाइस, ये भैया अब हमारे यहाँ का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। उससे किसी भी चीज को नहीं मारते भैया। सो गाइस, अब मैं आपको हाउस टूर कराऊंगी। सो गाइस, बिफोर द हाउस टूर वी आर डूइंग ट्रैकिंग विद फैमिली। यू कैन सी इसको कैसे तोड़ना है, देखो। आपको आता है? हां, बस भाभी से ज्यादा भैया वो लो। सो गाइस, हम सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं। ये भैया भी आ गए सर। भैया भैया भी व्लॉग बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। बस फिट कर दो यार, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये भैया का सर बीच में, बेटा कॉर्नर में ही जाना ज्यादा। हाँ फूफा जी, बस स्पर्श। अब भैया भैया अभी फोटोग्राफी में बिजी। आगे हम सब लोग चल रहे हैं, पीछे भी हैं। इंकी पिंकी पोंकी, माय फादर बॉट अ डोंकी, द डोंकी हैड अ फादर, द डोंकी डैडी फादर क्राइड, ला 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 ला। वाह तालिया। ओके, अब मैं आपको वापस जाते टाइम की ट्रैकिंग करती हूँ, एंड बीच में कुछ अच्छा दिखा तो फिर मैं करूँगी। टिल देन बाय बाय। सो गाइस, हम जा रहे हैं एक मंदिर में जो है यहाँ पे कोने में, ऑन द एज ऑफ द माउंटेन। अब देख सकते हैं हम कितना कोने में चल रहे हैं। हम बहुत आते थे गिरी इसमें, हम लोग बहुत आते थे रेखा। हम लोग चलो ऊपर चढ़ो, शूज उतार सकते हो और ऊपर जाके वहाँ माथा टेक लो। बहुत पुराना मंदिर है, चलो आपके वहाँ यही उतार लीजिए। हम तो पहले आगे दिया जलाते थे, बट अब वही अब हमारे बच्चे हम लोग चढ़ चुके हैं। पापा यहाँ काटे बेटा, होंगे गाँव है ये, आराम से चलो आ जाओ। अभी तो सारी आग लगी जंगल में, झाड़ी है कुछ नहीं है। रिमूव योर स्ट्रोक एंड होल्ड माय हैंड। कोने कोने से जा रही हूं, तो रोड से तो बहुत पास ही है नीचे। खुशू आओ बेटा, गाइस आप देख सकते हैं, मुझे तूने तो सॉक्स पहन रखे हैं बढ़िया, ये देख जरा आगे को। सो गाइस, ये मंदिर है, अब हम माथा टेक लेते हैं। यहां भगवान जी जय करो, ये लिखा हुआ ना गोयल देवता की जय, तो गोयल देवता का मंदिर है ये। यही तो बेटा जिसके अंदर ये फ्रूट आता है, इसमें आता है, बहुत हार्ड है। हाँ बेटा, अभी बाद में लेना, कपड़े में इसमें चिपक ये ले जा। गोयल देवता का मंदिर है, लीसा निकलता है। अब ये लीसा क्या होता है? अब कोई तुम गांव नहीं आया ना, ये तो बात है, अब आओगे सीखोगे। एंड गाइस, ये हमारे यहाँ का फ्रूट है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट होते हैं। अच्छा, इसके जो ये है, ये जो होता है ना डेकोरेशन काम आता है, ये नैनीताल में बिकता है 200 रुपीज का एक। इतनी तो ऐसी फ्री मिल जाए बेटा, यहाँ मिल जाए ना, हम बहुत लेके लेते हैं, लेके बेचो 200 रुपए में बिकेगा। इसको हम खा सकते हैं, स्प्रे पेंट कर दो। मम्मी चिल्लाते रहो, तू लेके चलो हटो। अब हमने छिलका निकाला था। हाँ बेटा हटो, निकाला था बिल्कुल। गाइस मैं फिर से कोने से जा रही हूँ, कोने से आ जाओ। ये गोयल देवता है, एंजल देखो, गोयल देवता है गाइस यहाँ पे राजा है। पापा हिस्ट्री एक और बार बता दो। गाइस इस मंदिर की हिस्ट्री हमारे गांव में जो है, अब हमारे पापा एक्सप्लेन करने वाले हैं। पापा कैन यू एक्सप्लेन द हिस्ट्री? मामा जी प्लीज टेल अस द हिस्ट्री ऑफ दिस टेंपल। दिस इज अ वेरी ओल्ड टेंपल,
इधर देख के इधर वन ऑफ द विलेजर्स राजा बोल रहा राजा राजा नो ये लो देन डोंट मेक इट अ कॉमेडी व्लॉग ओके वन ऑफ द ओल्ड टेंपल्स हियर देखो उसमें हिंदी में लिखा हुआ कौन सा सन है ठीक है वो लिखो हिंदी में आप यू शुड टेल मी हिंदी में क्या लिखा है हम लोग तो नरेश यहाँ से ना पहले हम लोग जाते थे यहाँ बोर्ड लगा है ये है तो यहाँ आराम ये बनाया हुआ है ये गोयल देवता का मंदिर देखो सामने गोयल देवता है यस घोड़े पे सवार है ना ये रास्ता देखो ये बना तो हुआ है पैदल जाने गोयल देवता जो है राजा है यहाँ के हमारे टाउन के ठीक है ना जो गोलू देवता है गोयल देवता वही तो है कोई गोयल बोलता है कोई गोलू बोलता है तब इधर देख के गोयल देवता बोलते हैं ये हमारे राजा है यहाँ से ओके और इष्ट देव है हमारे जो इष्ट देवता होते हैं ना लो बेटा पीछे थोड़ा ध्यान स्पर्श हो बेटा पीछे मत गिर जाना यार तो गाइस इधर आ जाओ इधर आ जाओ कम दिस साइड अब हम नीचे उतरेंगे ये मेरी स्लीपर्स है लो जल्दी पहनो तो हमारी यहाँ पे जो आपकी परदादी थी वो यहाँ डेली आके पानी चढ़ाती थी हमारी यानी मेरी दादी एंजल की परदादी यहाँ पे डेली आके जब से वो इस गांव में आई शादी होने के बाद तब से लेके जब तक वो जीवित रही तब तक यहाँ पे हर रोज इस बड़ का जो पेड़ है इस पे वो पानी चढ़ाया करती थी हर मौसम में वो बड़ का पेड़ है देखो हाँ हर मौसम में हाँ जी यहाँ से जा सकते हो वहाँ जाओ आप आ जाओ इस तरफ से आ जाओ भैया फोटो खींचो गाइस ये मंदिर हमारी हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ हाँ ये था ये बंद हो गया रोड एंड गाइस नीचे आप देख सकते हैं इसमें तो रोड फंस गई इसमें कितना है यहाँ पे देखो फोटो खींचो पेड़ पे कितना ये है वो पेड़ जहाँ पे हमारी अम्मा जो है वो तब इसमें चारों तरफ फूल होते थे भैया चारों तरफ मेरी अम्मा ने लगाए थे हमारी अम्मा ने यहाँ चारों तरफ फूल लगाए थे जब अच्छा चप्पल उतारनी है मतलब उतारना आपको कोई नहीं उतारता वैसे बट उतारना चाहिए हमारे लिए तो जगह फूल नहीं है हमें अम्मा डेली नंगे पाँव थी मेरी अम्मा नंगे पाँव चप्पल नहीं पहनती थी मेरी अम्मा जब यहाँ पे तो गाइस ये है वो पेड़ पहले करती नहीं जब हुई भी उसके बाद ही पैदल आती थी डेली उसको भी हम सर्दी बारिश कभी खराब हो तो भी आती थी डेली देखो एंजल कर रहे चलो यहाँ देखो तो गाइस हम अब आपको वापस जाते टाइम मिलते हैं या फिर ऐसा ही कुछ मिले तो टिल देन स्टे ट्यून्ड सो गाइस अब हम आ गए हैं मंदिर पे ये हमारा एक मंदिर है यहाँ पे मंदिर ये हमारा मुकुटदेव का मंदिर है ना सारे का तो बता ना मुकुट देवता हम स्लीपर उतार लेते हैं ऊपर लगी है मंदिर कहो भगवान जी सर वाह जय भगवान जी ये हमारे मुकुट देवता का मंदिर है कल यहाँ पर इस टाइम पर हम पेंशन तोड़े हैं यहाँ एक और मंदिर यहाँ से यहाँ पे जाए तो यहाँ से खाई है बिल्कुल यहाँ पे एक और मंदिर है राजा होता है तलवार है आपने अच्छा ये कल वाले हाँ पापा ने फोटो भेजी थी मैं भी ये किसका मंदिर है गोयल देवता का दादाजी हाँ यहाँ से मून दिख रहा है हाँ यहाँ से कितना अब ये है हमारे पापा का ओल्ड स्कूल बचपन में पापा यही पढ़ते थे लेकिन अब ये बंद हो चुका है बहुत पुराना हो चुका है हाँ अब ये ऐसा लग रहा है घोस्ट हाउस है हॉन्टेड मैंशन देख सकते हैं आप हम इधर पहले भी आए हैं बट स्टिल ये देखिए गाइस लुक एट दैट इसके अंदर पूरा डरावना डरावना गाइस इसके अंदर देखिए ये पूरा सुनसान छत सारी हटा दी है ऐसी जगह रह जाते हैं जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं होता है फंस जाते हैं यहाँ पे सामने हम देख सकते हैं दिख रहा है
वो लास्ट एंड है गांव मंदिर वो गांव घर जो दिख रहे हैं इनका मंदिर हुआ है तो कोई जा रहा है ये है स्कूल की बिल्डिंग अब अगर पॉसिबल है कि हम स्कूल के बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं तो फिर हेलो हाय विशु तो हम दिखाएंगे सॉरी गाइस मेरे भैया ने थोड़ा सा वो कर दिया था अब हम कर रहे हैं घोस्ट हंटिंग ओके ये है पापा की स्कूल की कैंटीन ये कैंटीन कैंटीन है भोजे चावल पर दाल दाल चावल कितने का सब्जी 100 पर ग्राम दाल 20 यार पहले इतनी हेल्दी चीजें मिलती थी हमारी कैंटीन में क्या क्या मिलता है अट्टा आटा वाह आटा आटा लिखा है ये दरवाजा खुला भी है अच्छा ये वॉशरूम है चलो तीन बार नॉक करके भागते खिड़की के अंदर देख क्या हुआ क्या हुआ गाइस कुछ तो मिला है कीड़ा गाइस लकड़ी वाला कीड़ा बिल्कुल लकड़ी जैसे दिख रहा है ज़ूम करके देखो मर जाएगा ये गाइस आपको दिख रहा है ये लकड़ी वाला ही कीड़ा है जो हिल रहा है देख सकते हैं आप अबे ये तो जादूगर लग रहा है जादूगर चलो हम वापस घोस्ट हंटिंग पे चलते पापा इज बिजी विशु डांस करके देखो तेंगे तेंगे करो अच्छा डांस करो ये वाला नहीं पैर वाला जो था अच्छा पापा वन क्वेश्चन टेल मी आपके स्कूल के कैंटीन का बोर्ड हमने देखा इतनी हेल्दी चीजें रोटी सब्जी दाल हमारे यहाँ क्या मिलता है बेटा ये उन स्कूलों में मिलता है जहाँ बच्चे जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं गरीब बच्चों को दिया था गांव में ताकि बच्चे स्कूल पढ़ने आए उसको मोटिवेट करने के लिए बच्चों को ओके और आप जो है एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं आपको जरूरत नहीं है खाने की आपको घर पे मिलता अच्छा खाना यहाँ हमारे चाचा जी बैठे हैं चाचा जी आप कुछ कहना चाहते हैं किसी भी चीज को लेके नहीं बेटा अच्छा खाना था हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ हम सब क्या भारी हैं थैंक यू सो मच गाइस आप लाइट्स देख सकते हैं मींस लिटरली हमारे स्कूल में पता नहीं क्या क्या चाउमीन मंदिर दिखा दीजिएगा हाँ दिखा दिया तो गाइस अब स्पर्श द घोस्ट बस्टर के साथ हम चलते हैं Yes. The lights you see all are solar lights, you know. Oh. These all lights, big lights you can see are all solar lights. So. Government. So guys, my father is saying that these sari lights, these are solar lights. बड़ी वाली lights हैं, street lights जो दिखे, big lights. जो भी बड़ी वाली lights हैं, सब solar हैं. Provided by government. Thank you for information. Now, guys, हम ghostbusting कर रहे हैं. This village vlog is going to turn into a horror vlog. ये तो वॉशरूम है गाइस आप देख सकते हैं कैंटीन है इसके अंदर क्या है भैया डालो रुक जा भैया पता है सो गाइस ये थी हमारी घोस्टबस्टी अब हम वापस जा रहे हैं ठीक है वापस जाके मिलते हैं गाइस बाय बाय गाइस हमारे यहाँ नाइट में बहुत मस्ती होती है देख सकते हैं
हम सब ऐसे बैठे एंड गाइस हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। यहाँ कुछ अलग ही बात चल रही है, यहाँ पे मस्ती। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे हम लोग डांस वांस भी हो रहा था, देख सकते हैं। ये गाइस हमारा वाला घर है पूरा गांव का। हम आपको होम टूर कर देंगे। सो गाइस मीट यू टुमारो। ये वीडियो यही है। सी माय नोजी। छी, बाय बाय।